केंटुकी। एंटीलाइफ वायरस के एक दिन बाद डेथस्ट्रोक को केंटुकी पसंद नहीं थी, लेकिन $9 million आखिरकार $9 million ही थे। और यहाँ पर कुछ बास्टर्ड्स को वो मारने के लिए आया था चर्च पर, जो कि बुरा काम करके यहाँ पर छुपे थे, और डेथस्ट्रोक को हायर किया गया था यहाँ पर विजिट देने के लिए। और तभी वो किसी को ऊपर से कूदते हुए देखता है। स्लेड विल्सन ने पहले भी लोगों को भागते हुए देखा था, लेकिन टूटे पैर के साथ भागना ये अजीब बात थी। ऑफ कोर्स तुम भाग सकते हो, लेकिन सभी चीजों से नहीं। और वो बुलेट से उसे शूट करता है कि तभी कुछ और लोग दरवाजा तोड़कर बाहर भाग रहे थे, और स्लेड एक एक करके उन सभी को मार रहा था। और उन सबको मारने के बाद वो आखिरकार अंदर घुसता है, और तब उसे पता चलता है कि वो लोग उससे डर कर नहीं बल्कि किसी और चीज से डर कर भाग रहे थे, क्योंकि वो पूरा घर नाजी ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। 100 कंबाइंड अब लिविंग के साथ मर्ज हो चुका था। यहाँ पर डेथस्ट्रोक अपना काम जारी रखता है और उन सभी को बारी बारी से मारता है, लेकिन ये काम उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था। और बॉडीज कट होने के बाद वो आखिरकार पेमेंट के लिए अपना फोन निकालता है, और जैसे ही वो फोन निकालता है वो उस एंटीलाइफ इक्वेशन के साथ मर्ज हो जाता है जो उसकी राह देख रही थी, और स्टोरी यही पर खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि स्लेड विल्सन सब लोगों से अलग था, वो डिफरेंट था बाकियों से। और जब वो होश में आता है तब वो देखता है कि सब तरफ नाजी ज़ॉम्बीज फैले हुए थे। दूसरा दिन एंटीलाइफ इक्वेशन गॉथम वेन मैनर में, जहाँ पर रेडवुड आ चुका था। और आते ही वो देखता है बैट केव में रॉबिन, बैटमैन और नाइटविंग तीनों ही मरे हुए हालत में थे, और कहता है कि मुझे लगा तुम लोग अभी भी जिंदा होगे। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, और तब वो देखता है एस को, और वो उसे अपने पास लेकर कहता है कि हम लोग इन्हें ऐसे ही नहीं रख सकते। तब रेडवुड उन तीनों को दफनाने की तैयारी करता है, और आखिरकार अपना कॉस्ट्यूम पहनकर वो बैट कार में निकल पड़ता है। और बैट कार में बैट फैमिली के सभी लोगों के लोकेशंस मिल रहे थे, अभी 8 लोकेशंस थे। लेकिन वो कार से कहता है कि जिनकी हार्ट बीट है वो लोग कितने हैं। तब उसे पता चलता है कि 2 लोग अभी भी जिंदा है। यहाँ रेडहुड एस को लेकर वहां से निकल चुका था बैट कार में। गॉथम, दूसरी रात, एंटीलाइफ वायरस। रोज विल्सन का अपार्टमेंट जो कि रेवेजर थी, वो अपने कमरे में ही थी तभी स्लेड का फोन आता है, और वो कहता है कि तुम्हें बाहर निकलना होगा। तब वो बताती है कि उसने सारे फ्यूचर्स देख रखे हैं, और जैसे ही वो बाहर जाएगी वो मारी जाएगी। तब हमें उसके फ्यूचर्स की कुछ झलक दिखती है। तब स्लेड कहता है बाहर निकलो और फायर एग्जिट के जरिए टॉप पर पहुंचो, और जब तुम फ्लोर पर आओ तो आते वक्त सारे गन्स लेकर आना। तब वो कहती है कि क्या तुम मुझे रूफ पर अटकाना चाहते हो। तब वो कहता है नहीं, तुम वहां पर नहीं अटकोगी। और जैसे ही वो बाहर आती है रूफ पर, तभी वो हेलीकॉप्टर से उसे पिक करने के लिए आता है। लेकिन तभी उस पर अटैक होता है, और वो कहता है कि ऊपर मत चढ़ना। यहाँ पर अटैक की वजह से डेथस्ट्रोक इन्फेक्टेड होकर नीचे गिर जाता है, और इन्फेक्टेड होने की वजह से रेवेजर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार उसके सीने में घुसाती है, वो डर से चिल्ला कर कहता है सबसे पहले अपनी तलवार मुझसे बाहर निकालो। तब वो बताता है कि वो लोग ज़ॉम्बीज नहीं है, और मेरे हीलिंग फैक्टर की वजह से ये सब कुछ रिवर्स हो जाता है, पता नहीं कैसे लेकिन हो जाता है। और तभी कोई उन्हें बताता है कि ये इंटरेस्टिंग बात है तुम्हारे बारे में। तब वो देखते हैं मिरर मास्टर को उस हेलीकॉप्टर के टूटे हुए एक शीशे में, जहाँ पर वो बताता है कि मुझे वैंडल सैवेज ने भेजा है तुम दोनों को लाने के लिए। तब वो कहता है कि इसके एक्सचेंज में क्या मिलेगा। तब वो बताता है इसके एक्सचेंज में तुम्हें मिलेगा प्रोटेक्शन, या फिर तुम लोग यहीं पर रहो और अपने इस हेलीकॉप्टर को फिर से हवा में उड़ाओ। कोई ऑप्शन ना पाकर दोनों ही उसके दिए हुए गॉगल्स पहनकर अंदर मिरर मास्टर के साथ मिरर डायमेंशन में चले जाते हैं। उन गॉगल की वजह से वो लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी आंखें क्लोज करने के लिए कहता है। यहाँ वैंडल सेवेज उसे शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसका इनविटेशन रिजेक्ट नहीं किया था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लॉबस्टर्स के बारे में पता है, वो 100 years पहले यहाँ पर आए थे एक शिप के थ्रू। यहाँ पर उन्होंने सब क्रिएचर्स को मार दिया था, और जब ह्यूमैनिटी को लगा कि अब वो अस्तित्व में नहीं रहने वाले, तब वो गलत थे, क्योंकि ये वो जीव थे जो किसी भी हालात में जीना जानते थे। ये रिमार्केबल थे
डिकेड्स हो गए लेकिन ये अभी यहीं पर है और उन्हें पता है कि परफेक्ट हाइडिंग प्लेस कहाँ पर है। और तब वो देखते हैं कि वो वहाँ पर बॉल्स पिरामिड में थे उसके मीलों नीचे। यहाँ पर सेवेज बाकी टीम मेंबर से उन्हें मिलवाता है जिसमें था सोलोमन ग्रंडी, द क्रीपर, चिता, कैप्टन कोल्ड, लेडी शिवा, पेन और डेथस्ट्रोक। यहाँ पर डेथस्ट्रोक आगे कहता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब सेवेज बताता है कि मैंने तुम में से हर एक को सिलेक्ट किया है। स्लेड, तुम्हारे पास कुछ खास है, तुम जानते हो कि सर्वाइव कैसे करना है। ये पहली बार नहीं है कि मैं इस दुनिया का अंत देख रहा हूँ। ऐसा कितने सालों से हुआ है, मैं कम से कम 50,000 सालों से जी रहा हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है। गौतम, एंटी लाइफ वायरस की दूसरी रात, गौतम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर बैटमैन यानी कि कसांड्रा केन, कमिश्नर गॉर्डन और उनका एक साथी लड़ रहे थे अंडेड से। और तभी कमिश्नर गॉर्डन का साथी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसे मारकर वो लोग आगे का प्लान बना ही रहे थे कि तभी जेसन टोड यानी कि रेडवुड बैट कार लेकर वहां पर आता है और उन सबको गाड़ी में बैठाकर वहां से निकलता है। यहाँ पर रेडवुड कहता है कि एंटायर प्लान ये है कि हमें गौतम से बाहर निकलना है। तब जिम गॉर्डन कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकता। तब रेडवुड बताता है कि वो जिंदा नहीं है और उन्हें कार के मॉनिटर पर बारबरा गॉर्डन की हार्ट बीट सुनाता है। तब जिम गॉर्डन कहते हैं कि लेकिन ये कैसे हो सकता है क्योंकि मॉनिटर पर उसकी लाइफ फॉर्म कैसे दिख सकती है। तब जेसन अपना हेलमेट उतारते हुए कहता है, ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मुझे पता है कि आप एक गुड डिटेक्टिव है, बैटमैन मर चुका है और यहाँ पर गेम खेलने का वक्त नहीं है। और तब कसांड्रा और जेसन डोर को वो देखते हुए कहता है कि ब्रूस वेन, डिक ग्रेसन, टिम ड्रेक, डैमियन वेन, बारबरा सब लोग जा चुके हैं। तब वो कहता है डैमियन नहीं, डैमियन अभी भी मेट्रोपोलिस में है और अल्फ्रेड उसी के साथ है। यहाँ पर वो आगे कहता है कि जिम गॉर्डन की हार्ट बीट भी बैट फैमिली के साथ ब्रूस ने इस मॉनिटर पर अटैच की थी क्योंकि उसे लगा था कि वो एक काम के पर्सन साबित हो सकते हैं। यहाँ पर जिम गॉर्डन कहते हैं कि इक्विपमेंट्स गलत हो सकते हैं और वो बारबरा को देखना चाहते थे। यहाँ पर वो वही जाते हैं जहाँ पर बारबरा और बाकी सभी लोग मरे हुए थे और यहाँ पर जेसन टोड ढूंढ निकालता है जोकर को और उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है, ये मैं था, ये मेरे हाथों से मरना था। वो उसकी बॉडी को ले जाकर एक जगह पर बांधता है और वो जगह थी बैट कार की सामने वाली हुड। लुधावेन, तीसरा दिन एंटी लाइफ वायरस का, जहाँ पर एक जगह पर चढ़कर वो देखते हैं कि एक बिल्डिंग के आसपास अंडेड्स जमा थे। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा मौजूद थे और उनका प्लान ये था कि अंदर घुसकर उन्हें बचाना और इस वजह से वो पूरे नॉन लिथल वेपन्स डिसेबल कर देता है कार के और अंदर घुसता है रेडियो कंट्रोल दरवाजे को पार करके। जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि कुछ अनाथ बच्चे हाथों में हथियार लिए खड़े थे और उतरते हुए जेसन टोड कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि हम लोग गुड गाइज है। यहाँ पर जिम गॉर्डन उसे कहते हैं कि जो तुमने साइकोटिक क्लाउन ऊपर बांध रखा है उसे नीचे उतारो तभी तुम गुड गाइज समझे जाओगे। यहाँ पर वो लोग अपने अपने इंट्रोडक्शन करके उन्हें बताते हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड थे वो अभी जिम में कैद है। तब जेसन पूछता है कि तुम लोगों ने उन्हें यहाँ पर कैद कैसे किया। तब एक लड़की बताती है कि हमने नहीं लेकिन एक हीरो ने किया, वो जिसने उन सभी को अंदर डाल के यहाँ पर एक बैरिकेड क्रिएट कर दिया और वही काफी सारा खाना लेकर आई थी लेकिन वो कई दिनों से वापस नहीं आई। यहाँ पर जिम गॉर्डन कहते हैं कि यही जगह है जहाँ पर हम रुक सकते हैं और अब जेसन टोड उन अनाथ बच्चों के साथ मिलते हुए कहता है कि हमें ये करना होगा, एक ऑर्फन दूसरे ऑर्फन के साथ करेगा।